हिंसा के बीच भारी सुरक्षा में आज पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी। पुलिस के अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों की तैनाती। 11 जुलाई को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच भारी हिंसा। कूचबिहार में बीजेपी के पोलिंग एजेंट की हत्या। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बांकुरा में सीपीआई और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में 16 घायल। प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना और राजस्थान दौरा। तेलंगाना के वारंगल में 6,100 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। राजस्थान के बीकानेर में 24,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। वाराणसी में पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर बड़ा हमला। कहा कमीशन लेने वालों की दुकान बंद हो चुकी है। बंद यानी ना कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का अलर्ट। देश को कश्मीर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर लगा जाम। दूसरे दिन अमरनाथ यात्रा पर रोक। गुजरात और बिहार के कई इलाकों में बारिश से जलजमाव। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बीजेपी विधायकों की अहम बैठक। देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच भी हुई मुलाकात। आज शाम 4 बजे नासिक में शरद पवार की होगी जनसभा। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे मामले में रेलवे के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। सीबीआई ने 2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर और 1 टेक्नीशियन को किया गिरफ्तार। एलएसी पर भारतीय सेना ने दिखाई ताकत। पूर्वी लद्दाख में सिंधु नदी को टैंक से पार करने का किया अभ्यास। सेना के T-90 और T-72 टैंक ने दिखाया अपना दम। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज़ 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार।